पोशेस एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ फाइटिंग की, और कार्ड ऑफ फाइटिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। फाइटिंग कार्ड को समझने से पहले आइए समझते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को। तो नाइट्स को समझने के लिए पहले पेज को समझना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि पेजेस जो हैं वो एक बीज रूप में है, वो एक सीड फॉर्म में है। जो पेज ऑफ सॉर्ड है वो आपके लिए मैसेज लेके आता है एक तरह का थॉट का, एक तरह के आइडिया का। वो आपको इनवाइट करता है इस विचार की यात्रा पे जाने के लिए। और एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन सा विचार है जो आपने जो है चूज़ करा है, फिर उसके ऊपर जो है नाइट ऑफ सॉर्ड जो है काम करना शुरू करता है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स को आप देखते हैं तो उसका जो घोड़ा है और उसकी जो चाल है वो बहुत तेज़ है। हम देख सकते हैं कि वो दोनों जो है हवा में है और वो एक फुल स्पीड से जो है कहीं भागे जा रहे हैं। इसको जो है विचार की शक्ति दिखाया गया है कि अगर एक बार आप विचार कर लें, एक बार आप कुछ सोच लें, तो घटनाएं जो हैं बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जहां पहुंचे कवि वहां ना पहुंचे रवि। तो किसी भी काम की कंप्लीशन में जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। ये फिगर जो है एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्शन ऑफ थॉट, कि विचार की जो शक्ति है ये काम पे लग गई है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। आइए बात करते हैं द कार्ड ऑफ फाइटिंग की। कार्ड ऑफ फाइटिंग के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जो है लोहे की ड्रेस पहन रखी है। लोहे की ड्रेस जो है वो एक तरह से वॉर का एक सूट है, ताकि जो है अगर वो वॉर पे जा सके, अगर वो फाइट कर सके तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और उसने अपनी जो मसल्स हैं वो कसी हुई हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है। अब ये पूरी स्थिति दिखाई जा रही है फाइटिंग की। और कार्ड के अंदर जो है हम इसकी ड्रेस के ऊपर जो है बटन्स भी देखते हैं। ये बटन्स अपने आप में बहुत सिंबॉलिकल हैं। अक्सर जो है किसी व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो जो क्रोध का कारण होता है वो बाहर से आता है, कि किसी व्यक्ति के कारण, किसी घटना के कारण। कि ये जो बटन जो दिखा रखे हैं, कि ये बटन जो है उन आदमियों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में, उन परिस्थितियों के हाथ में है, कि अगर इनको दबाया जाएगा तो आप जो है रिएक्ट करेंगे, कि आप क्रोधित हो जाएंगे, कि आप फाइट करने लग जाएंगे। तो एक अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जब आप जो है एक फाइटिंग स्टेट में जब आप हैं, तो आपने जो है अपने जो बटन जो हैं वो दूसरों को दे दिए हैं, कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। उनको पता है कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपको गुस्से में लेके आना है, कैसे आपको प्रेम में लेके आना है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपको जो है रुलाना है। ये सब जो है बटन जो है उनके हाथ में है। एक कॉन्शियस व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है जो अपने बटन है वो दूसरे के हाथ से ले लेता है। वो अपना सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखता है। वो बाहर की परिस्थिति को अलाउ नहीं करता जिसके कारण जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कार्ड ऑफ फाइटिंग में हम देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो है हम हर चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, कि हमारे भीतर जो है एक तरह की लड़ाई चल रही है, कि हम तने हुए हैं, हम कसे हुए हैं। वो तने हुए और कसे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है लाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कि हमारे को जो कि हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। क्योंकि आपके भीतर वो जो ट्रस्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा, उसके कारण जो है आप हर वक्त जो है डिफेंसिव मोड में रहते हैं। आपको लगता है कोई आके आपका नुकसान कर देगा, आपको जो है चोट पहुंचा देगा। हम इस फिगर के पीछे एक फिगर और देख सकते हैं जहां पे एक अगेन एक स्टेट दिखाई गई है कि एक फाइटिंग की, जिसमें जो है इसके भीतर जो विचार चल रहे हैं वो सिर्फ फाइट के विचार चल रहे हैं। कार्ड का जो गहरा मैसेज है वो ये है कि आप जीवन के प्रति जो है कसना बंद कर दीजिए, उससे लड़ना बंद कर दीजिए, उसको रिलैक्स वे से जो है अलाउ करिए। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अगर आप हमेशा याद रखें तो आपके जीवन के हर मोड़ में जो है वो काम आएगी। बात यह है कि आप हर सिचुएशन को जितने रिलैक्स वे से डील करेंगे उतना जो है वो सिचुएशन जो है ब्यूटीफुल हो जाएगी, उतना जो है आपकी लाइफ का सलूशन जो है आपके सामने आ जाएगा, कि जीवन की समस्याओं का जो है समाधान होने लगेगा। गुरु ओशो जो है फाइट के बारे में एक बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो हमारे भीतर जो है एक ये स्वभाव भी है लड़ने का, और वो लड़ने का स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम उसके लिए बहाना ढूंढते हैं कि हम कैसे हम लड़ सकें। सब कुछ सुंदर होते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी आदमी के अंदर जो है लड़ने की जो है वृत्ति जो है मौजूद है।
और ये लड़ने की वृत्ति अभी से नहीं, बहुत टाइम से है। और वो ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है इस लड़ने की वृत्ति को जो है अगर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, अगर वो ये देखना शुरू कर दे कि जो क्रोध की जो घटना जो उसके भीतर घटती है वो जो है उसकी इंस्टिंक्ट्स के कारण है। इंस्टिंक्ट्स यानी कि वो बिहेवियर जो हमारे अनकॉन्शियस से आता है, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो शरीर है वो प्रकृति से आया है, वो एक सोई हुई ऊर्जा से आया है। और अगर हम सर की बात करें, ब्रेन की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, वो तत्व कुछ ऐसा है जो हेवन से आता है, जिसको हम परमात्मा का तत्व कहें, जिसको हम गॉड का एलिमेंट कहें या गॉड का मैटर कहें। तो आदमी जो है कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। शरीर जो है वो नीचे की तरफ जो है यात्रा करना चाहता है, प्रकृति की तरफ जो है जाना चाहता है, और आपका जो सर है वो परमात्मा की तरफ जाना चाहता है। तो आदमी जो है इन दो के बीच में बटा हुआ है, हेवन और अर्थ के साथ। एक शक्ति जो है उसको ऊपर की तरफ खींचती है और एक शक्ति जो है उसको नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटेशन की तरह। धर्म का सारा प्रयास ये है कि कैसे जो है आपके भीतर जो सोई हुई प्रकृति है कि वो जो है कॉन्शियस होना शुरू हो जाए, कि आपके भीतर के जो सेल है वो बदलने शुरू हो जाए, उनके अंदर जो है एक इंटेलिजेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाए और आप हर क्षण जो है जागना शुरू करते हैं। एक साधक को जो है अपनी सोई हुई प्रकृति से ऊपर उठना है, उसके जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको जो चीज़ें जो हैं खींचती हैं, उसकी जो आदतें हैं, उससे जो है धीरे धीरे जो है उसको जो है मुक्ति लेनी है। और मुक्ति कैसे होती है? जितना आप जो है उन डिज़ायर्स के प्रति, उन इच्छाओं के प्रति जो है आप उनको देखते हैं, उससे कॉन्शियसली उससे गुजरते हैं और एक साक्षी भाव के साथ जो है आप जो है उसको जो है जी लेते हैं, जीने से जो है आपके भीतर की वो जो छुपे हुए, वो जो सोए हुए जो तत्व हैं उनसे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, कि वो जो सोई हुई जो प्रकृति है उससे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी आपकी लाइफ जो है प्रेम पूर्वक हो जाएगी, सुखद हो जाएगी, उतना जो है आपके भीतर जो है वो जो एक फाइटिंग की जो प्रवृत्ति है उससे जो है आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपके भीतर का प्रेम बढ़ेगा तो आप आदमी को ही नहीं, पशु और पक्षी के लिए भी जो है वो प्रेम जो है महसूस कर पाएंगे, कि आपका जीवन जो है धीरे धीरे जो है पूरी तरह से प्रेम पूर्वक हो जाएगा। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति जो है ट्रेन में सफ़र करता था और ट्रेन में बैठे बैठे जो है वो हर वक्त जो है तना रहता, घबराया रहता, कुछ ना कुछ जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है घड़ी देख लेता। तो ट्रेन में जो लोग सवार थे उसके साथ, उसमें से एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई साहब सब ठीक तो है क्या? वो आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो उसने बताया कि मुझे चिंता है कि कहीं मैं अपना स्टेशन मिस ना कर दूं। तो उसने पूछा आपका स्टेशन कौन सा है? तो उसने कहा कि मेरा स्टेशन जो है फला फला है। तो उस आदमी ने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ट्रेन जो है आखिरी में रुकेगी वही स्टेशन है, इस बीच जितने भी स्टेशन आएंगे आपको उसमें नहीं उतरना है, जब ट्रेन जो है पूरी तरह से रुक जाएगी तो आप समझ लीजिएगा वही आपका स्टेशन है। लेकिन उस आदमी के अंदर जो है चिंता ख़त्म नहीं हुई, उसके अंदर फिर वही सब कुछ जो है चलता रहा, अपने अंदर हर वक्त ये चिंता करता रहा कहीं मैं स्टेशन मिस ना कर दूँ। उस आदमी ने दोबारा टोका, उसने कहा कि आप किस लिए घबरा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ और आपको जो है मैं खुद आपको जो है बता दूंगा जब आपका स्टेशन आएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो है शांत नहीं हुआ, वो व्यक्ति जो है तना रहा और कसा रहा। अब ये जो तने और कसे होने की स्थिति है ये कुछ ऐसी है जैसे कि जो एक हैबिट पैटर्न जो है बन चुका है, और ये सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं बहुत लोगों के साथ है। आपकी ट्रेन में और भी लोग सवार हैं और वो आपको बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, जब आपका स्टेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप जिस तरह से आप अपने आप को कसा हुआ आपने, वो आप छोड़ते नहीं हैं। एक कंटिन्यूसली जो है अंदर जो आपकी ऊर्जा है वो फाइट कर रही है। और जीवन जो है ट्रस्ट का नाम है, कि जितना आप रिलैक्स हो जाएंगे, जितना आप जो है चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे और जितना जो है अपने होने के अंदर जो है स्थित हो जाएंगे, उतना आपको रियलाइज़ होगा कि फाइट और कुछ नहीं करती, फाइट सिर्फ आपकी जो है ऊर्जा नष्ट करती है। तो याद रखिए, जीवन में जितना रिलैक्स हो सके उतना जो है जीवन आपके सामने जो है प्रकट होगा और आपको भी खिला जाएगा। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.